हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कार मेनिया 4x4 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन वैगन आर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द भारतीय मार्केट में आपको नई वैगन आर 5 सीटर और 7 सीटर में देखने को मिलेगी। क्या कुछ नया गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो सबसे पहले बात करते हैं किस प्राइस पैकेज में ये गाड़ी लॉन्च होगी। तो करीबन 4 से 7 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी लॉन्च होगी। बिल्कुल न्यू फीचर्स आपको इस बार गाड़ी में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, डायमेंशंस गाड़ी के चेंज कर दिए जाएंगे पूरे। सबसे पहले हम बात करें एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में आपको नए प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगे, नए टाइप के स्किड प्लेट्स मिलेंगे, फ्रंट और रियर दोनों में ही स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाएंगे, नए टाइप की नए टेल लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, रियर स्पॉइलर मिल जाएगा, रियर वॉशर वाइपर डिफॉगर जैसे फंक्शंस आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल देखने को मिलेगा, जो कि करीब 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। और एक नया स्पोर्ट्स मॉडल भी आपको इस बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें आपको 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, जो करीबन 120 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। दोनों ही इंजन आपको मैनुअल और AMT में देखने के लिए मिलेंगे। 1.2 लीटर वाला ही इंजन आपको CNG में भी देखने को मिलेगा, जो करीबन 80-85 bhp की पावर प्रोड्यूस कर देगा और माइलेज ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो सबसे मेन जो है होता है इंटीरियर का, वो होता है कंसोल। तो आपको उसमें प्रीमियम लेदर का यूज देखने को मिल जाएगा, 8 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, 6 स्पीकर सिस्टम के साथ में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, GPS नेविगेशन जैसे फंक्शंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में लेदर अपहोल्स्ट्री, स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल, ऑटो AC, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फंक्शंस आपको गाड़ी में प्रेजेंट मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें गाड़ी के सेफ्टी के बारे में, तो गाड़ी हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी से बनी मिलेगी, नया प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड, एंटी थेफ्ट डिवाइस, टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल असिस्ट जैसे फंक्शंस भी आपको गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। क्या रहने वाले हैं गाड़ी के डायमेंशन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो करीब 4.3 मीटर की देखने को मिलेगी, विड्थ आपको 1.7 मीटर देखने को मिल जाएगी, हाइट 1.6 मीटर का। इसी के साथ साथ में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा, करीबन करीबन 2600 mm का आपको व्हील बेस गाड़ी में मिल जाएगा। 16 इंच के नए अलॉय व्हील्स आपको गाड़ी में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे गाड़ी और भी ज्यादा खूबसूरत बाहर से दिखेगी। बात करें नई वैगनआर के लॉन्चिंग के बारे में, तो 2024 में ये गाड़ी आपको 110% भारतीय सड़कों पर दिखाई देगी। सो फ्रेंड्स, आपको नई वैगनआर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड हैव अ नाइस डे।